पापा आप जहाँ कहीं भी है जल्दी आ जाइए, और आप सब लोगों से मेरी अपील है कि ये मेरे पापा की तस्वीर है, इसे ध्यान से देखिए, तो अगर आपको ये कहीं पर भी दिखे तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, जहाँ पे भी हो चाचा प्लीज़ जल्दी आ जाओ, हम सब आपका वेट करें, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेटी परेशान है, किस तरह से तमाम परिवार के लोग परेशान हैं, क्योंकि चावल कारोबारी प्रवीण गर्ग जो करनाल के रहने वाले हैं, हरियाणा के करनाल के रहने वाले हैं, अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाते हैं। ये तस्वीर उनकी गौर से देख लीजिए, करनाल के सेक्टर 5 के रहने वाले प्रवीण गर्ग अचानक जो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं, कल शाम को किस तरह से साइकिल पर घूमने गए थे लेकिन अचानक कहां चले जाते हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। परिवार के लोगों का बुरा हाल है, टेंशन में है, रो रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि जिस किसी को भी इनके बारे में कोई भी जानकारी हो वह जल्द से जल्द जो है अपने नजदीकी पुलिस थाना में संपर्क कर सकता है, अन्यथा हमारे करनाल ब्रेकिंग न्यूज के मोबाइल नंबर 9812001353 पर भी जानकारी दे सकता है। इस समय उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद है, हाथों में तस्वीर लिए हुए हैं ताकि उनके पापा को ढूंढने में मदद की जा सके। क्या कुछ बताना चाहेंगे, कब से आपके पापा लापता है और क्या कुछ लोगों से अपील करेंगे, कितने बजे गए थे और किस तरह के कपड़े उन्होंने डाले हुए थे? कल रात वो 9:15 से गायब हैं, मतलब आराम से वॉक कर रहे थे और तब से बस साइकिल पे पता नहीं चला हमें कहाँ गए हैं। उन्होंने वाइट कलर का लोअर और ब्लू कलर की शर्ट डाली हुई है और ये उनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी मिले तो हमें प्लीज़ इन्फॉर्म करिए। सभी परेशान हैं घर के लोग? हाँ जी, हम सभी परेशान हैं। कल रात हम पूरे करनाल में जहाँ हो सकता था वहाँ ढूंढ के आए, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड की जहाँ पर भी जा सकते थे, बट वो कहीं नहीं मिल पाए हमें। तो क्या अपील करेंगे, क्या बताना चाहेंगे? बस हमारी अपील यही है कि इस न्यूज़ चैनल से प्लीज़ हमारे चाचा को जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करें। कब से लापता है ये? कल 9:15 से लापता है और अभी तक उनका कुछ भी नहीं पता लगा कि वो कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। अभी तक उन्होंने कोई कॉल भी नहीं किया, ना उनके पास कोई फ़ोन है कि वो फ़ोन ही कर ले। तो बस हमसे उनसे यही अपील है कि वो जल्दी घर आ जाए। तो बिल्कुल आप ये तस्वीर देख रहे हैं प्रवीण गर्ग की, जी तस्वीर है जो चावल कारोबारी है और पुलिस ने भी जो है मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सेक्टर 4 चौकी इंचार्ज भी इस समय उनके परिवार के पास पहुंचे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि आखिरकार प्रवीण गर्ग कहां पर है। चावल कारोबारी है, करनाल के एक बड़े चावल कारोबारी है, लेकिन कल शाम से अचानक जो है संदिग्ध परिस्थितियों में कहीं लापता हो गए हैं। परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थी, बेटे की 2 हफ्ते बाद शादी है, लेकिन अचानक प्रवीण गर्ग जी कहां चले जाते हैं किसी को कोई जानकारी नहीं है। कि किसी तरह की कोई मानसिक तौर पर परेशानी थी इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन अचानक शाम को सैर करने निकले हैं साइकिल पर, लेकिन उसके बाद इनके बारे में कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है। पुलिस ने आप देख सकते हैं कि सेक्टर 4 पुलिस चौकी इंचार्ज अनिल कुमार जी यहां पर उनके घर पर मौजूद है और लगातार अपनी तरफ से ढूंढने का प्रयास लगातार पुलिस की टीमें करती हुई नजर आ रही है। और हमारी भी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि आप प्रवीण गर्ग जी की तस्वीर को गौर से ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई भी शख्स इनको पहचानता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जल्द से जल्द इनको ढूंढा जा सके। समय सेक्टर 4 चौकी इंचार्ज है, उनसे भी जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ जानकारी आपको मिली थी, कब से लापता है चावल कारोबारी है जो करनाल के सेक्टर 5 के रहने वाले हैं? ये शाम को गए हैं 9:15 के करीब, और हमारे को रात को इन्होंने बताया था वह ऐसे ऐसे सैर करने के लिए गए थे और ये कहीं चले गए हैं, पता नहीं कोई छोटी मोटी कोई बात हुई होगी इस वजह से ये चले गए। तो हम FIR लॉज कर लिया है और तलाश जारी है। तो क्या नाम है, कहाँ के रहने? प्रवीण जी हैं, ये सेक्टर 5 के हैं। क्या काम करते हैं जी? ये चावल के कारोबार है। तो साइकिल पे निकले हैं? साइकिल पे निकले। तो कुछ पता चल पाया हो? ना अभी कुछ पता नहीं लग पाया। तो घर पे कोई मानसिक तौर पर परेशान थे या कुछ ऐसा? ना ऐसे घर पे कोई ऐसी बात नहीं। तो किसी तरह कोई कोई बात ऐसी कोई बात? तो क्या कार्रवाई की जा रही है जी? FIR लॉज कर लिया, तलाश जारी है। तो लोगों से क्या अपील करेंगे? अपील करेंगे भाई जिसको पता लगे तो हमारे को सेक्टर 4 में या सिटी थाने में हमारे से संपर्क करें और परिवार वालों से संपर्क करें और हमारे वो ढूंढने का प्रयास। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं लगातार सेक्टर 4 चौकी इंचार्ज भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे दोबारा से बातचीत करेंगे, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि उनकी बेटी अपने पिता की तस्वीर हाथ में लिए हुए लोगों से अपील कर रही है। आपका एक शेयर इनके पिता को ढूंढने में कहीं ना कहीं कामयाब हो सकता है और हमें पक्का विश्वास है, क्योंकि पहले भी इस तरह से कहीं लापता हुए लोगों की हमने जब तस्वीर दिखाई है तो उनके परिवार के लोगों से तक जो है पहुंचा जा सका है। तो कहीं ना कहीं इनको जल्द से जल्द इनके परिवार तक पहुंचाया जाए, इसलिए आपके एक शेयर की वजह से प्रवीण गर्ग जो अचानक जो है कल शाम से संदिग्ध परिस्थितियों में कहीं चले गए हैं, लापता हो गए हैं, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। 2 हफ्ते बाद ही घर में परिवार में बेटे की शादी थी, लेकिन अचानक वे कहां चले गए इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है।
सभी लोग परेशान हैं, उनकी बेटी लगातार लोगों से अपील कर रही है, परवीन गर्ग जी से अपील कर रही है कि अगर कोई भी इस वीडियो को देखे तो जल्द से जल्द उनके जो पिता है वो जल्द से जल्द घर पहुंचे। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि कल शाम से अचानक वह लापता हो गए हैं, उनके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सेक्टर 4 चौकी में मामला दर्ज हो चुका है। उनकी बिटिया इस समय हमारे साथ मौजूद है। कल कितने बजे जो है आपके पिता घर से निकले थे और क्या कुछ उन्होंने डाला हुआ था? कल वो 8 बजे निकले थे उन खाना वगैरह खा के और बाहर बस पहले पैदल वॉक करी उन्होंने पार्क गए थे, उसके बाद उन्होंने साइकिल पे चले गए वो, और उन्होंने वाइट कलर की लोअर और ब्लू कलर की शर्ट डाली हुई है। तो कुछ नहीं पता चल पाया अभी तक? नहीं, कुछ भी नहीं पता चल पाया। हमने हर जगह ढूंढा उन्हें बट कुछ नहीं पता लग पा रहा है उनके बारे में। उनका क्या काम करते हैं? वो उनका नाम बॉबी, घर पे बॉबी बुलाते हैं, और वैसे परवीन गर्ग नाम है और उनका ग्रोंडा काम है। तो लोगों से अपील करेंगे कुछ? हाँ जी, प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ये उनकी फ़ोटो है, इसे प्लीज़ ध्यान से देखिए। प्लीज आपकी एक शेयर हम अपने पापा को ढूंढने में मदद कर सकती है। क्या नाम आपका? पलक। मेरा नाम पलक है। तो आप देख सकते हैं ये परवीन गर्ग उर्फ बॉबी जी हैं और ये जो है अचानक लापता हो गए हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके परिवार की बेटियां अपने पिता की तस्वीर हाथ में लिए हुए हैं और कहीं ना कहीं अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द परवीन गर्ग जी के बारे में अगर जिस किसी को भी कोई जानकारी हो तो वो तुरंत जो है हमारे से भी संपर्क कर सकता है, अन्यथा अपने नजदीकी पुलिस थाना में जानकारी दे सकता है। करनाल के सेक्टर 5 के रहने वाले हैं परवीन गर्ग, लेकिन कल शाम से अचानक जो है लापता हो जाते हैं। हमें पक्का विश्वास है, सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, आपके एक शेयर की मदद से जल्द जो है परवीन गर्ग उर्फ बॉबी जी को जल्द से जल्द ढूंढा जा सकता है। जो चावल कारोबारी है, घरोंडा में इनका कारोबार है, करनाल के सेक्टर 5 के रहने वाले हैं। सेक्टर 4 पुलिस चौकी ने मामला दर्ज कर दिया है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। पुलिस के पास लगातार फोन बज रहे हैं ताकि जल्द से जल्द परवीन गर्ग के बारे में कोई ना कोई जानकारी जरूर जुटाई जा सके। 45 साल उनकी उम्र है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, कहां पर वे चले गए, किसी तरह की घर पर कोई परेशानी नहीं थी, कोई मानसिक तौर पर वे परेशान नहीं चल रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, कहां वे गायब हो गए, इस बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाली गई आसपास के इलाके की, तो देखा कि शाम को घर के बाहर जो है किस तरह से सैर करने साइकिल पर निकलते हैं, रोजाना पहले भी चले जाया करते थे, लेकिन अचानक वे कहां लापता हो जाते हैं किसी को भी जानकारी नहीं है। तो उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद है। पहले भी अमूमन वो साइकिल पर सैर करने निकलते थे या कल ही निकले थे? नहीं नहीं, वो जाते हैं अक्सर, कभी सुबह कभी शाम को चले जाते हैं वो, और फिर घर आ जाते, पता नहीं कल क्या हुआ कि कहाँ चले गए, अचानक से गायब हो गए वो। तो किसी का अभी तक कोई संपर्क नहीं है? नहीं। तो बिल्कुल हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें ताकि परवीन गर्ग जी के बारे में जल्द से जल्द जानकारी कोई ना कोई मिल पाए। आपके एक शेयर की मदद से इनके पिता को इनके घर तक पहुंचाया जा सकता है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया करनाल, ब्रेकिंग न्यूज करनाल।